फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं हूँ नीलेश और अभी अभी मैं उठा हूँ और अभी मैंने नाश्ता कर लिया है और मम्मी ने खाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अभी सुबह सुबह घड़ी में टाइम हुआ है 7:05। और मम्मी सुबह सुबह वो खा लेते हैं और मैंने अभी अभी चाय और रोटी और नाश्ता किया हुआ। रिया और मिताश वो भी दोनों सो रहे हैं। बस मिलते हैं आगे, बने रहे हमारे साथ। तो अब मेरा ड्रेस कोड अभी चेंज हो चुका है क्योंकि मुझे जाना है जो हमारा बनाने के फार्मिंग में अभी कटिंग हुआ है, तो जहाँ पे हमने टेके लगाए हुए थे वो लूम कटिंग हुआ है, उनको अभी दूसरी जगह पे हम टेके ट्रांसफ़र कर देंगे क्योंकि वो लूम भी गिर ना जाए। तो वो मैं करने के लिए जाता हूँ। तो अंदर जाने से पहले हमारा ड्रेस कोड चेंज करना होता है, बाकी बिगड़ जाएगा। और मितांश और रियान वो दोनों ने अभी उनका काम स्टार्ट कर दिया है, जो हमारा कोकोनट फार्म है वहाँ पे। तो ये दोनों यहाँ पे कुछ खेल रहे हैं। ये भी है। ये यहां खता रहा है। इसमें मिट्टी अभी लोड करके कहाँ जाती है? वो दूर 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 रियान के पास जाएगी। तो रियान भी उनके जो ट्रैक्टर के औजार है उनको अभी ठीक कर रहा है। यहाँ पे रियान आप देख सकते हो इनके ट्रैक्टर के जो औजार है छोटे छोटे, ये पाली बनाने का है, हाँ ये कुछ है, ये कटिंग करने का है। ये दोनों कटिंग करने का है। हाँ कटिंग, ये क्या? ये तो रोटावेटर लग रहा है। नहीं। तो ये क्या है? गेहूं कटिंग करने। गेहूं कटिंग करने का। ओ अच्छा, खुल भी जाता है, देखो खुल भी करते। नहीं निकालना नहीं है, रहने दे, टूट जाएगा। वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे उनका ट्रैक्टर कहाँ है रियान? तुम्हारा ट्रैक्टर कहाँ है? ओ माय गॉड, इतना बड़ा ट्रैक्टर। तो यहाँ पे रेड रेड ट्रैक्टर, जाने दे अभी। ओके, ओ यहाँ पे तो डंफर लोड करके आ चुका है। वो दो दो इसमें क्या भरा हुआ है? मिट्टी। ओके बोलो। ओ मम्मी ने ये क्या कर दिया वहाँ पे? मम्मी ने यहाँ पे कुछ आग लगाई हुई है, जो कचरा पड़ा हुआ था उनको साफ करके। यहाँ पे हमने जो नारियल बोए हुए थे उसमें भी अभी निकलने लगे हैं, कुछ कुछ अभी निकले हुए हैं, 3 या 4 अभी निकले हैं यहाँ पे। और यहाँ पे है, ओ मम्मी बहुत धुआं कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ा अभी हो चुका है नारियल का पौध जो हमें लगाना है, ये हमने बनाया हुआ था वो है। तो इस साल हम इनको जो उड़ीद वाले खेत था उसमें इनको लगाना है क्योंकि अभी हम बनाना नहीं लगाने वाले, क्योंकि हम 3 साल से लगातार इसमें कुछ मुनाफा नहीं लिया है हमने। अगले साल लॉकडाउन की वजह से प्राइस कम मिला था जो हमारे बनाना का, और इनके अगले वर्ष भी साइक्लोन आया हुआ था तो इसी खेत में था, जब ये वाला खेत है यहाँ पे था, तो वो भी पूरा ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट कुछ कुछ खड़े हुए थे। तो हमने 3 साल लगातार इसमें से कुछ भी मुनाफा नहीं कमाया है। अगले तो अभी मैं जाता हूँ टेके ट्रांसफ़र करने के लिए, जो लुंगर कट चुका है तो वहाँ वहाँ शायद टेके होते हैं तो उनको अभी दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे। और दूसरा हमने जुगाड़ किया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पट्टी बांध दी है या रस्सी, जो एसी वाली रस्सी है, ये इनको हमने ऊपर टॉप पर बांधा हुआ है और यहाँ से फिर नीचे आके जो इनका थल है, जो इनका तकना है, वहाँ पे हमने बांध दिया। तो ये अभी बेंड नहीं होगा, शायद कम होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, इसलिए हमने ट्राई किया हुआ है। तो अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऐसे अब टेके पड़े हुए हैं, तो उनको यहाँ तो पट्टी बांध दी है इस वाले में, तो जहाँ पे ज़्यादा बेंड हो चुका है इसमें मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो आज हमारा दूसरा काम चल रहा है जो कल्टीवेशन करना,
तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा नारियली का फार्म, ज़्यादा तो नारियली नहीं है, अब 20 या 25 होगी। तो इसमें अभी कल्टीवेशन चल रहा है, जुताई चल रही है। अब इसमें 20 में हम पाली बना देंगे, अच्छे से पाली बना देंगे तो अच्छे से पानी इसमें जाएगा, ऐसा हमारा काम अभी चल रहा है। दूसरा काम ये यहाँ पे मितान मोबाइल अभी स्टार्ट कर दिया है, रियल ने भी अभी मोबाइल स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा देसी झूला यहाँ पे झूलने के लिए आज बनाई हुई है सेवैयाँ। तो अभी मैं खाने बैठा हूँ सेवैयाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। इनके साथ अब ऐड होगा गुड़ और दूसरा होगा चीनी, गुड़ और चीनी, वो दोनों में से आपको जो पसंद है वो, और घी, हमारी देसी गाय का घी। तो ये है हमारी देसी गाय का घी, वो मैंने ऐड कर दिया है। और दूसरा अभी होगा ऐड किया हुआ है गुड़, मैं गुड़ और चीनी दोनों एक साथ खाता हूँ तो वो दोनों में ऐड करूँगा। तो अब मैंने चीनी भी ऐड कर दिया है और अभी इनको कर दूंगा मिक्स, और बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, जो मानसून आने से पहले हमें करना होता है वो काम है हमारा खेत को तैयार करने के लिए तैयार रखना होता है। क्योंकि इस साल हम बनाना नहीं लगाने वाले हैं, इस खेत में हम नारियली लगाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो हमने पूरी लाइन आपको दिख रही होगी, यानी कि हम बोलते हैं इनको साह करने की प्रोसेस अभी हमारी चल रही है। आप देख सकते हो हम जो बेल है उनसे हम हमारी जो ये लाइन बनाते हैं वो काम करते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो एक सीधी लाइन हमें बनानी होती है और उसमें अभी हम जो मानसून आएगी तब हम इसमें हमारे मूंगफली का काम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम हमारी लाइन बनाते हैं वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी जो ये लाइन बनती हुई दिख रही है, तो एक साथ तीन लाइन बनती जा रही है और एक लाइन जो दूसरी लाइन है उसमें फिर से हम रूटीन करेंगे, क्योंकि तभी इनकी एक साइज रहेगी। वरना तो क्या होगा कि एक 20 इंच का हो जाएगा, 40 का, 30 का, ऐसे हो जाएगा। तो हमने ये दो लाइन के बीच में जो जगह छोड़ी हुई है वो 20 इंच है, तो ऐसे लाइन इनकी बनती जा रही है। तो आपको कैसे लगे हमारे बैल, या तो हमारे बड़े पापा के बैल, और ये कौन सी नस्ल के जो ब्रीड्स है वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, वो आप लोग हमें कमेंट करके बताना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।